हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, हमारा जो अध्याय है वो है कार्बन और उसके यौगिक, अध्याय 4 की बात करते हैं हम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन के बारे में, बात करते हैं कि कार्बन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, सारे तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उसमें से कार्बन भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो कि ये भूपर्पटी पे ही, पृथ्वी पर ही ये पाया जाता है। कार्बन की बात करते हैं तो ये तत्व बहुत आयत मात्रा में ये पाया जाता है। इसका अगर हम सिंबल देखें तो इसका सिंबल होता है सी। इसे डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार होता है। पहले कोश में 2 और 4, मतलब कार्बन के आखिरी कोश में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कुल 6 इसके पास में, और आखिरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हम कार्बन की। अब इसके कुछ गुण देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन के गुण है, सबसे पहले श्रृंखला। देखिए, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, ठीक है। ये श्रृंखलाएं जो है वो एक रेखीय श्रृंखला भी हो सकती है, बंद श्रृंखला भी हो सकती है, शाखाओं के रूप में भी हो सकती है। CH3, CH2, CH, इस तरह से ये शाखाओं के रूप में श्रृंखला बनाता है। शाखित भी बना सकते हैं, है ना, रेखीय। उसके बाद में शाखाओं के रूप में इस तरह से की श्रृंखलाएं बनाता है, तो इस ग्रुप को कहते हैं श्रृंखला, है ना। लंबी लंबी श्रृंखला ये बनाता है, क्योंकि इसके आखिरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों से ये दूसरे जो परमाणु होते हैं उनसे ये बंध बना लेता है और लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, जिसमें शाखित या फिर वलय, जिसको हम वलय मीन्स शाखाओं वाली, है ना, उसमें निकाय निकलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। चतुसंयोजक, जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन परमाणु के आखिरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चतुसंयोजकता बनाता है, ठीक है। जैसे आप CH4 की बात करते हैं, मैथेन, CH4 की अगर बात करें, कार्बन के आखिरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 से हाइड्रोजन जुड़ गए, ये बन गई इसकी चतुष संयोजकता, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन के कारण ये चतुसंयोजकता बनाता है। अगले इसका गुण देखते हैं, गलनांक और क्वथनांक। तो देखिए, इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है ना, काफी कम होता है। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है दूसरे परमाणुओं से। विद्युत चालकता की बात करते हैं, अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी विद्युत चालकता जो है वो बहुत कम होती है, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि बैड कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं। आगे टॉपिक की बात करते हैं हम, सहसंयोजी आबंधन। देखिए, सहसंयोजी आबंधन की बात करते हैं तो कार्बन क्या करता है, दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, और साझेदारी करने के बाद एक बंधन बनाता है, और उस बंधन को कहते हैं हम सहसंयोजी आबंधन। जैसे हम फिर से बात करते हैं मैथेन की, कार्बन के आखिरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आखिरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये साझेदारी कर रहा है, ठीक है ना, साझेदारी की इसने। तो ये जो बंध है ना, जो बंध बना रहा है वो बंध है सहसंयोजी आबंधन। जितने भी कार्बन जिसके साथ में भी बंधन बनाएगा वो हमेशा कैसे होंगे, सहसंयोजी आबंधन, ठीक है। मैथेन का हमने उदाहरण ले लिया। अपरूपता की बात करते हैं हम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अपरूपता। देखिए, कार्बन जो है प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है, और इस रूप को कहते हैं हम उसके अपरूप, और इस गुण को हम कहेंगे अपरूपता। जैसे ग्रेफाइट, अगर हम कार्बन
की बात करें तो कार्बन के महत्वपूर्ण अपूर्ण कौन से हैं? पहला है ग्रेफाइट और दूसरा रूप है इसका डायमंड, हीरा। ठीक है, ग्रेफाइट ये जो है वो द्विआयामी संरचना होती है, द्विआयामी, और ये होती है त्रिआयामी। दोनों कार्बन के रूप है संरचना अलग अलग होती है, ग्रेफाइट की त्रिआयामी होती है संरचना और हीरे की द्विआयामी होती है। ठीक है, आगे आपके समझ में। चलिए देखते हैं, हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, हाइड्रोकार्बन। बहुत ही सिंपल है और सरल है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, है ना। तो सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इन दोनों से मिलकर जो भी यौगिक बनता है वो होता है हाइड्रोकार्बन, है ना। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण मैथेन, मैथेन हो गया हमारे पास में, फिर एथेन और प्रोपेन, है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं, बेंजीन हो गया, ये सब हाइड्रोकार्बन के उदाहरण। अगला टॉपिक देखते हैं हम, CO2 की बिंदु संरचना देखते हैं हम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। आपको CO2 की बिंदु संरचना बनानी है, है ना। सबसे पहले हम करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन, कार्बन की हम सबसे पहले संयोजकता लिखते हैं, है ना। सबसे पहले परमाणु क्रमांक क्या है इसका, 6। संयोजकता कितनी है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन वितरण लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वितरण। इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या है इसका, 2 और 4, मतलब आखिरी कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वितरण देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन में ये दो 4, 5 और 6 यहाँ पर भी देख सकते हैं। ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से ये बना लिया, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आप, ये हो गए CO2 की बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। आगे आपके समझ में, कार्बन में 4 और ऑक्सीजन के लास्ट में 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या किया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, ये दो इलेक्ट्रॉन डॉट वाले इसके, और ये देख सकते हैं इसको डॉट नहीं बनाया हमने ऑक्सीजन को, उसको वैसे ही रहने दिया, और यहाँ पर इसमें ये तो इस तरह से ये जुड़ गए, सहसंयोजी आबंध बना लिया इसने। अगले जो क्वेश्चंस हैं, अगले जो टॉपिक है, हम अगले वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। थैंक यू।